हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ IBPS SO इंटरव्यू। वेल, पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट एक सवाल पूछ रहे हैं घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट ओवरऑल क्वेश्चन कम्स टू वन सिंगल पॉइंट कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, या फिर इसको अलग भाषा में कहूँ तो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो ओपनिंग क्वेश्चन रहता है, तब शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जनरली हमें जनरली क्या 99% पता ही होता है, लेकिन फिर भी 1% वो डाउट रहता है, वो कहूँ नहीं कहूँ या किस तरीके से कहूँ, प्रेजेंट कैसे करूँ, उन चीज़ों के बारे में आइडिया होता नहीं है। तो इसी सवाल को मैं आज सेपरेटली कवर कर रहा हूँ। एंड अगर कोई IBPS PO का भी बंदा है तो देख सकते हैं, इंटरव्यू में वैसे भी क्वेश्चन कुछ तो कॉमन ही रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ स्किप मत करना, एंड ऐसा कोई डाउट रहेगा तो बता देना, बट नॉर्मल लेवल का, लाइक जिसमें कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि सबका स्ट्रीम अलग अलग हो तो आपके लिए वो एप्लीकेबल पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करेगा। नाउ व्हेन यू आस्क टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आई विल गिव यू पॉइंट वाइज। सी, सबसे पहले नेम अपना बताओ, देन योर प्लेस, जब कहाँ से हो, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, सो एंड सो, एंड देन डिटेल्स ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि अभी जैसे PO हो तो ग्रेजुएशन तो हुआ रहेगा, SO हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बताओ कि आपने MBA किया है या MCOM किया है, जो भी किया है उसमें बताओ, उसमें कुछ एक आध अच्छे परसेंटेज तो बोल भी सकते हो, अच्छे नहीं है तो परसेंटेज मत बोलना, ठीक है? तो इस तरीके से प्रेजेंट करो, पहला पॉइंट योर नेम, योर प्लेस एंड योर डिटेल्स, ठीक है? कीप इट वेरी सिंपल। अभी परसेंटेज बोल रहे हो तो हर एक में मत बोलना, 10th में इतने आए, 12th में इतने आए, ग्रेजुएशन में इतने आए, अगर मान लो हर बार आप स्टेट टॉपर हो तो नो, क्योंकि फिर उसके क्वेश्चंस ना उस लेवल के बनेंगे, ठीक है? यानी कि आप काबिलियत है, बट कीप इट अप टू द पॉइंट। नेक्स्ट, क्विकली इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद मेंबर्स इन अ फैमिली इंक्लूडिंग मी, देयर आर 4 मेंबर्स ऑल्सो, मॉम, डैड और एक सिबलिंग है। क्विकली बताना डैड क्या काम करते हैं, भाई क्या करता है, मॉम इज़ अ हाउस मेकर, ठीक है? तो ये सब हो गया, फादर का हो गया, मदर इज़ अ होम मेकर, सिबलिंग वगैरह हो गया। देन कम टू द मेन पॉइंट, स्ट्रेंथ्स, डायरेक्टली बताओ कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है और उसको जॉब के साथ लिंक करो। आप बोलोगे क्रिएटिव हो, अरे चलो मानता हूँ आप इतने क्रिएटिव हो कि आपको नासा में काम मिलना चाहिए, लेकिन वो बताओ तो सही कि किस तरीके से वो क्रिएटिविटी या आपका जो स्ट्रेंथ है वो जॉब के साथ लिंक होगा, यानी कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहे हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन रहे हो, उसके साथ लिंक करो। दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ बताओ तो एक दो ही बताना, ज़्यादा ये मत करना, ठीक है? और क्योंकि उस पर आपको एलेबोरेट भी करना है और बाकी के पॉइंट्स बाकी है। नंबर 4, वाई दिस फील्ड और जॉब। नंबर 4 में आपको बताना ये जॉब क्यों चाहते हो, क्योंकि देखो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ज़्यादातर बातें मानता हूँ कि अपने बारे में ही रहती है, उसको आपके बारे में जानना है इंटरव्यूअर को, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको भी बतानी है कि इंटरव्यूअर को आपको एक मैसेज छोड़ना है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो, यानी कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे वो पोजीशन डिजर्व करती है और मैं किस तरीके से डिजर्व करती हूँ आपको बताऊँगा। तो इन दिस पॉइंट, व्हाई दिस फील्ड और जॉब, आपको ये बताना है, यू हैव टू मेंशन लाइक हाउ यू कैन बी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से आप उनको उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हो, दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। व्हाई दिस फील्ड में अगर बोलोगे कि देखो 2-3 लाइन तो मैंने आपको पहले बता दिए, बैंक का जॉब इज अ सिक्योर जॉब, इट्स इट गिव्स यू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सो, ये सब रहा आपकी बातें, वो तो उनको मतलब अभी तो ऐसे बोलूँ कि हर मिनट वो ये बातें सुनते हैं, जो कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ज़रा। कहीं ना कहीं कह सकते हो 3 और 4 पॉइंट मैंने बताया, कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरलिंक होगा, बट डजेंट मैटर। लेकिन थर्ड में क्या होगा, स्ट्रेंथ आप एक अलग तरीके से बताओगे कि ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वाइल हैंडलिंग द कस्टमर्स और वाइल हैंडलिंग द जे कस्टमर्स आई कैन बी वेरी यूजफुल, आई कैन गिव एन इनसाइट टू देम। जे कस्टमर मीन्स, जिनको पता नहीं है, जिससे HR टर्म, जे कस्टमर मीन्स अ प्रॉब्लमेटिक कस्टमर, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स निकालते हैं। वो बात उनकी सही होती है लेकिन वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप भड़क भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो नंबर 4 हुआ। नाउ एक मैं एडिशनल दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है, बट
ये पॉइंट यूज़ करो ध्यान से करना, दैट इज़ प्रिंसिपल। लाइक हर एक का एक लाइफ का प्रिंसिपल रहता है। अगर आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट में कहो तो उसको लाइक ऐसे उसूल जिनके बलबूते पे चलते हो। लेकिन मेरी राय है, माय प्रिंसिपल अगर कहो क्विकली तो ऐसा कुछ कहना जो आप रियल में करते हो, क्योंकि जो रियल में फॉलो करते हो ना उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। एज सिंपल एज दैट। देखो जब से मैं कुछ सालों पहले जब मैं आया एजुकेशन सेक्टर में, तो मैंने बहुत चीज़ें देखी कि मैंने भी कुछ चीज़ें फेस की कि सिंपल भाषा में बोलूँ स्टूडेंट्स को राह नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं उनको कहाँ जाना है, किस तरह है, उनकी गाइडेंस है ही नहीं, या फिर कह सकता हूँ बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स को एक्चुअली मदद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने खुद चीज़ें फेस की है, अवार्ड मेरी लगी थी तो मुझे पता था यार जिसको भी पूछ रहा कुछ गाइडेंस ही नहीं है, सब सिर्फ सिलेबस सिलेबस की बात करते हैं। तो मैंने और डीप जाके बनाया, देन द रेस्ट स्टोरी। फिर मैंने चैनल बनाया एंड द रेस्ट थिंग, एंड अभी मेरे स्टूडेंट्स है। कहने का पॉइंट क्या है कि मैंने इसमें एक देखा कि क्वालिटी सर्विस। देखो सर्विस क्या होती है बच्चा, सिर्फ सर्विस, पैसा दिया तुमका प्रोडक्ट मिला, सर्विस हो गया तो देना ही पड़ेगा, ये सर्विस नहीं होती, लेकिन ये ट्रांजैक्शन होता है। क्वालिटी सर्विस मतलब कस्टमर का ख्याल रखना, उसको देखना, आफ्टर सेल सर्विस। एंड यू आर वर्किंग इन अ बैंक, ऑब्वियस है आप जो पॉलिसीज बनाओगे, जो भी चीज़ें बनाओगे, कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रीब्यूट तो करोगे, एंड आपको बताना है आप एक्टिव मेंबर कैसे रह सकते हो। तो आपका प्रिंसिपल जो भी रखोगे आप, जैसे एक वन ऑफ द बताऊँ कि एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, उसको आप मॉडिफाई कर लो अगर यूज़ कर लो तो। सिंपल भाषा में बोलूँ तो माई प्रिंसिपल इज टू डू जॉब ऑलवेज प्रॉपरली, ओके, ऑलवेज टू डू जॉब प्रॉपरली। अभी इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बेस पे नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ और ये वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें की थी, ठीक है। अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे लेकिन सर हम लोग कभी काम किया ही नहीं, हम लोग पूरे फ्रेशर से, तो क्या कुछ नहीं, प्रिंसिपल बोलो, उसके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के साथ आपके सेमिनार एक्टिविटीज़ का लिंक करो, देखो ये चीज़ें मिलती है, अभी हम लोग ढूंढते नहीं है, क्यों बताएं, क्योंकि कॉलेज सिस्टम हमें सिर्फ मार्क्स सिखाता है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज सीखते हो। वो 5 मेंबर्स का कैप्टन बन गए, लीडर बन गए, तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज है तो इसीलिए आप बने। फिर आपने कम्युनिकेट किया, हालांकि वो दोस्ती होते हैं, बट कम्युनिकेट किया तो लीडर एंड लीडर मेंबर एक्सचेंज रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट पकड़ना है, बट दैट शुड बी योर प्रिंसिपल। एकदम जो चीज़ नहीं करते हो और एकदम ऐसे लगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और आपको इसके लिए तैयार नहीं हो तो मत करना, वो इंटरव्यूअर हंस के आपको एक पॉइंट पकड़ लेगा। देखो प्रिंसिपल पे वो लोग पूछेंगे, मैं तो चाहूँगा कि वो पूछे, क्योंकि पूछने के बाद ना बैकअप जब तैयार होता है ना वो ज़्यादा इंप्रेशन गिराता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंटरव्यूअर जब इंटरप्ट करें तो वो गलत होता है, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यस कि ये कैसे किया, सीवी में गैप क्यों है वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है यार मेरी ये लाइन पे इसने संदेह कर लिया है, तो इट्स नॉट एन इशू। इफ़ यू आर राइट यू कैन एलेबोरेट ऑन दैट पॉइंट एंड यू कैन डेफिनेटली विल हैव अ बेटर एस्पेक्ट इफ़ यू नो वॉट यू आर सेइंग। इसलिए बोल रहा हूँ अप टू द पॉइंट रहो एंड सिंपल भाषा में सच ही बोलना, ओके okay? तो ये माय प्रिंसिपल के बाद वर्क एक्स है तो वर्क एक्स बताओ, कॉलेज पर चढ़ो तो कॉलेज पर बताओ, एंड लास्ट में एक आप एक कर सकते हो हॉबीज़, ओके okay? अभी हॉबीज़ क्या होता है पता है, कभी अभी मुझे पता है हर इंटरव्यू की सोच अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं ऐसे देखता हूँ कि हॉबीज़ को कम में एक्सप्लेन करो, ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं ये इसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी ये कुछ है क्या इंटरेस्टेड किसी भी चीज़ों में, कुछ भी है क्या, या इससे भी वर्कोहॉलिक ही है। क्योंकि देखो अगर पूरा फिलोसफिकली बात करो, इंसान को थोड़ा बहुत इन लाइफ से फ्री भी हो रहना चाहिए, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और एक हॉबी, एक लेजर एक्टिविटी, ओके, किसी के लिए क्रिकेट होता है, किसी के लिए चेस होता है, किसी के लिए सिंगिंग होता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पर एक दो लाइन में एक्सप्लेन करो, दिस इज़ माई हॉबी, आई डू इट, दैट्स इट। और लास्ट में याद रखना, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ और टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये लास्ट लाइन, सो फिनिश लाइक MS धोनी, ओके, लास्ट लाइन ये रखना। इसको आप थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो मैंने कहा कि शुक्रिया, अभी शायद इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में दे दो, हिंदी में दे दो कि शुक्रिया मुझे ये सुनहरा अवसर देने के लिए, ताकि मैं अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, ओके। हॉबीज़ की बात करो, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, हॉबीज़ क्या बोलनी चाहिए क्या नहीं।
एक स्टोरी बताता हूँ। आई थिंक NICL AO का एक स्टूडेंट था, उसका प्रीलिम मेंस आई थिंक सब हुआ था। इंटरव्यू में उसने ना वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं उसका एक निगेटिव पॉइंट बताता हूँ, निगेटिव या फिर ऐसा पॉइंट जो उसके फेवर में नहीं गया था। तो सिलेक्ट होने के बाद बात हुआ तो उसने बोला, सर एक बार मिलना है आपसे। मैंने बोला ठीक है। मिले हम लोग एंड उसने बताया कि सर बाकी जैसे एक चीज़ है, लेकिन एक पॉइंट आपको बताना था, तो वो पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि बाकी के क्वेश्चन मैंने संभाल लिए, लेकिन एक और पॉइंट पे रुक गया मैं। बोला तो कौन सा पॉइंट? उन्होंने हॉबीज़ पूछी, तो मैंने बोला तो क्या बोला तुमने? तो ही सेड के उसने बताया इंटरव्यूअर्स को कि उसको चेस खेलना पसंद है, ठीक है। तो उन्होंने क्विकली क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू फिडे रेटिंग हु इज़ द नंबर वन राइट नाउ? और उसको पता नहीं था कि उस टाइम पे वो टॉप पे कौन था, नंबर वन कौन था। इंडियंस की बात करें तो विश्वनाथन आनंद तभी से वो पढ़ता था, बट बाकी भी थे फॉरनर्स, गैरी कास्परो एंड अदर गाइज, तो उसने वो पढ़ा नहीं था। कहने का पॉइंट क्या हुआ, तू कह रहा है हॉबी है तो तेरे को पता नहीं है बेसिक चीज़ें, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखना। कहीं ना कहीं पूछे कि अवार्ड कैसे मिला, तो उसमें रेटिंग्स होती है, फिडे रेटिंग चेस रेटिंग में, चेस में होता है। इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा भी है बट जस्ट टू समराइज, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सिंपली कहूँगा आई राइट शायरीज एंड गजल्स, तो उसका अगला सवाल होगा शायरीज, और ओके ओके सो कैन यू से, अभी देखो इंटरव्यू में वो ज़्यादा टाइम तो लेगा नहीं गज़ल, क्योंकि गज़ल में बहुत टाइम लगता है कहने को, तो कैन यू से शायरी समथिंग, तो मैं हाँ रेडी हूँ, रोमांटिक रोमांटिक बोल दूंगा, सैड या मोटिवेशनल, लाइफ की जो लाइफ वाली जो रहती है जनरली सैड फॉर्मेट में, तो वो सुना दूंगा। यानी कि मैंने प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि वो मुझे पूछेगा कि शायरी सुना, तो मैं उसको टोन में सुनाऊंगा, माइक सामने रहेगा तो माइक भी पकड़ लूंगा। कहने का पॉइंट क्या है, मैं अपनी हॉबी पे कितना डैम श्योर हूँ, दिस इज माई पॉइंट। क्रिकेट में खेलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज पता है, लेकिन मुझे पता है उसने अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड शो हुआ उसमें कहाँ पे मिला, तो मुझे हड़बड़ाना नहीं है किसी भी हालत में, या बिना देखे यहाँ बैट्समैन तो विराट कोहली ही होगा, नहीं स्मिथ भी हो सकता है, तो मैं वो रिस्क इंटरव्यू में ज़रा भी नहीं लूँगा। सो इट्स बेटर कि आप जो खुद काम करते हो ना उस पर, एंड शायरी का जरिए ट्रूली माई वन ऑफ द थिंग्स, तो मैं वो मैं डेली करता हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसमें बताऊंगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट करो, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट पॉइंट को समझ कर रखो, जो मैंने पॉइंटर्स बताया वो लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पॉइंटर आपको सिर्फ बड़े लग रहे होंगे, बट आप जब बोलना शुरू करोगे, और मैंने बराबर लिंक करके रखा है, ठीक है। इसके अलावा बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपका कुछ एक ऐसा क्वालिटी जो हटके दिखता है, हटके एकदम लीक से अलग, डेफिनेटली इसमें ऐड करो। तड़का लग रहा है दाल में ना, तो लगने दो, इन द सिंपल लैंग्वेज, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बता देना आपका इंटरव्यू कब है, जब भी आपका रहेगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।